कम सफलता हो सकती है, ज्यादा सफलता हो सकती है, पर ये असफल नहीं हो सकते कभी। इट इज सच ए पावरफुल, किसी भी फील्ड में जितने भी लोग आपके देख रहे हैं, एक चीज ट्राई कीजिएगा, जिनके बर चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर नहीं होगा, अगर दोनों नंबर नहीं होंगे, ये घड़ी नहीं पहनते होंगे। सबसे पहले आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1988। अब 1988 का टोटल करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 8 18 और 8 26, तो हमने लिख दिया 26। 26 का टोटल कितना हुआ, 2 और 6 अभी कौन नंबर नहीं लिख रहा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ हर बार की तरह आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, आज का ये एपिसोड ना बहुत स्पेशल है, आप एंड तक हमारे शो के साथ बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्यों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरी डेट ऐसी है कि इसने मेरे सारे काम बिगाड़ दिए हैं। इस चीज़ को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारे बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, सभी नंबर्स पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इन सभी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आचार्य, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर दैट यू हैव इनवाइटेड मी टू योर स्टूडियो। हमारी भी खुशकिस्मती है, आप अपना टाइम निकाल के आप यहां आए। इट्स अ ऑनर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू। या ओके अरविंद जी, बहुत सारे सवाल हैं और मेरा सबसे पहला सवाल ये, मत सोचिएगा कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जी। एक आम इंसान की तरह आज मैं समझूंगी आपसे, अगर एक आम इंसान आपसे कहे कि भाई न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन क्या है और ये कैसे हमारे आज लोगों के बीच में इतनी फेमस हो चुकी है, तो पहले मैं बेसिक तरीके से जानना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या है अंकशास्त्र। मैं इसका बड़ा सिंपल सा आपको जो है ना जवाब देता हूँ, तो जो मतलब एक लेमैन को भी मेरी बात समझ आनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आंचल, कि इट्स अ लैंग्वेज। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। हाउ? जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, बट मैं तमिल नहीं बोल सकता, मैं कन्नड़ा नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं आती है। अगर मुझे तमिल या कन्नड़ा नहीं आती है तो मैं क्या कहूँगा कि नहीं आती है, वो लैंग्वेज मैं नहीं समझ पाता हूँ। सेम वे जितने भी नंबर्स हैं, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक हैं, तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है यूनिवर्स की जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि बेसिकली आप कौन हैं, क्या हैं, आप इस धरती पे आए क्यों हैं, आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक लैंग्वेज के रूप में आप यूनिवर्स की लीजिए, जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, जो आपको बता सकती है कि आप जिंदगी में या इस पृथ्वी पे आए ही क्यों हैं। पहला। दूसरा, अगर मैं न्यूमरोलॉजी को और सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपकी पहचान आपसे करवाती है, आपकी पहचान आपसे करवाती है। अक्सर आपने कई बार सुना होगा, हर आदमी को ना एक बहुत बड़ा ये भरम है कि मैं सब जानता हूँ और मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मेरे दोस्त मित्र सब कहते हैं मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, पर मैं कहता हूँ तुम सबको जानते हो, आप सबको जानते हो, पर एक इंसान को आप नहीं जानते, वो आप खुद हो। तो खुद को नहीं जानते आप। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी पहचान आपसे करवाती है, और जो लैंग्वेज आपकी पहचान आपसे करवा दे तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ साइंटिफिक एंड हाउ पावरफुल इज दिस साइंस। सो दिस इज ए लैंग्वेज विच मेक्स यू अवेयर दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर, व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर गोल, एंड हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर ह्यूमन बर्थ। तो ये 100% काम करती है, मतलब 100% नहीं, 200% काम करती है, 200%। यस, ठीक है। तो इसकी मैं उसकी ओरिजिन के बारे में बात कर रही थी, अंक शास्त्र बेसिकली हमारे इंडिया में, हमारे भारत में आया कहाँ से है। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो डिफरेंट साइंसेज जो हैं इसके पीछे काम करती हैं, राइट। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली इट हैज़ कम फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। ओके, इट्स अ वेस्टर्न साइड, राइट। तो पश्चिम के देशों से इसको जो है वो बढ़ावा मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ हु इज़ द क्रिएटर और हु इज़ द गॉड ऑफ यू नो न्यूमरोलॉजी, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं इज़ ए गॉड ऑफ क्रिकेट, माराडोना इज ए गॉड ऑफ सॉकर। तो एक आयरिश न्यूमरोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था कीरो, आपने सुना नाम उनका कभी? नहीं। यस,
तो एक आयरिश न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कीरो। तो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, तो मैं कहता हूँ कीरो इज़ ए हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो मैं पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो कीरो को देता हूँ, बिकॉज ही वॉज द वन मैन हु हैज़ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसने न्यूमरोलॉजी को उजागर किया और इसको पॉपुलराइज किया, राइट। दूसरा चाइनीज मेथड है, चाइनीज में एक सेंट हुए लोशू, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकाले न्यूमरोलॉजी के। तो कुछ वेस्टर्न से आया, कुछ चाइना से आया, फिर आते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे जो वैदिक साइंस है उसके अंदर भी जो न्यूमरोलॉजी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक हैं, अब 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं, ये वेस्टर्न साइंस हमें नहीं बताती, चाइनीज साइंस हमें नहीं बताती कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट का है, ये हमारी वैदिक साइंस बताती है। फॉर एग्जांपल, एक नंबर जैसे सूर्य का है, ये चाइना वाले नहीं बता सकते, कीरो नहीं बता सकता। 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर जुपिटर का है, 4 राहु का है, 5 मरकरी का है, 6 वीनस का है, 7 केतु का है, 8 सैटर्न का है, 9 मार्स का है। तो ये जो प्लैनेट्स के साथ नंबरों की जो एसोसिएशन है, ये हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी से आती है। तो आगे जैसे पॉडकास्ट बढ़ेगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्लैनेट्स के नंबर्स का आपस में कैसे कनेक्शन बैठते हैं। तो लार्जली 3 तरह की न्यूमरोलॉजी हम लोग सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वैदिक, चाइनीज एंड वेस्टर्न। तो इन तीनों का मिक्सचर हम लोग सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं सार जो ये है कि सारे के सारे अपने वैदिक इससे ही निकला है, शास्त्रों से। करेक्ट करेक्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी आम इंसान, अब जैसे डेट ऑफ बर्थ की मैंने बात की एंड नंबर्स में, तो सबसे पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें हमारा पूरा व्यक्तित्व छिपा हुआ है। Correct. ठीक है, लेकिन एक बेसिक चीज़ से मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान अपना नंबर जानना चाहे, या फिर एक स्टार्टिंग मैं करूँगी बर्थ चार्ट से, ठीक है, आप मुझे आज लाइव यहाँ पे बर्थ चार्ट बना के दिखाइए, ताकि अगर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान, अपना बर्थ चार्ट बनाए तो वो कैसे बनाए और क्या क्या चीज़ों से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तो एकदम उसको कोई टीचर तो मिलेगा नहीं, अगर वो अपना आप ही करने बैठेगा तो कैसे, क्या क्या चीज़ें वो करे, राइट। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो सिखाएं। ठीक है, मैं बहुत से सेशंस करता हूँ ऑनलाइन वाले अपने, तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का जो बर्थ चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी आंसर पता क्या है? क्या? इट्स अ वेरी सिंपल साइंस, सुपर सिंपल साइंस, इतनी सिंपल कि 5 मिनट में आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे, अपना नहीं, अपनों का, वाइफ का, बच्चों का, बहन भाइयों का, किसी का भी बर्थ चार्ट आप 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बर्थ चार्ट कैसे बना लेंगे। चलिए शुरू किया जाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। और आई होप कि आंचल माइंड नहीं करेंगे अगर मैं आंचल आपका ही बर्थ चार्ट बनाऊँ, ठीक है सर? पॉडकास्ट के बीच में आप ये अचानक मेरे मन में है कि जब बर्थ चार्ट बनाना है तो किसी का तो बनाना ही है ना, तो मैं चाहूंगा कि आपका बर्थ चार्ट बनाता हूँ, ठीक है? और फिर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, क्या आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बहुत सी चीजें बता दूंगा आपको। तो आप प्रिपेयर है उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आप अच्छा अच्छा बताइएगा। नहीं, दोनों चीजें बताऊंगा, दोनों चीजें, स्ट्रेंथ भी बताऊंगा। देखिए पहली बात तो ये शब्द मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है। इससे पहले कि मैं बर्थ चार्ट आपको सिखाऊं अंचल, आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स, राइट। आई एम ए वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ वन थिंग, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ना तो अच्छी है ना खराब है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये अच्छी है या खराब है। क्यों? जब परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो अच्छा ही होना चाहिए, क्यों खराब होगा? अगर खराब ही होना होता तो जानवर बनाता, ऐसा तो नहीं किया। इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतने अच्छे भोग कर रहे हैं, मनुष्य जन्म मिला है तो खराब कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप सब दर्शकों को ये बोलिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अच्छी खराब नहीं होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अच्छे से प्ले कर सकते हैं, राइट। नाउ सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है बट आप उसे ले ही नहीं कुछ पा रहे, आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी चीज होती है, राइट? आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑन पेपर बहुत ही एवरेज है, राइट, और फिर भी आप अच्छे सिक्सर मारे जा रहे हैं, इसका मतलब अच्छी खराब तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि ताश में पत्ते कैसे आएंगे, ये तो कंट्रोल नहीं है, बट उन पत्तों से खेलेंगे कैसे, ये हमारे कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल में हो सकता है, राइट। सो विष से अमृत कैसे निकालना है, ये कला मैं आपको आज सिखा सकता हूँ, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले यस, तो आंचल का आज बर्थ चार्ट बनाते हैं, ओके? तो बड़ा ऑनेस्टी के साथ जवाब दीजिएगा, एंड यू विल हैव ऑल द फ्रीडम टू डिसएग्री विद मी, जहां भी चाहे आप बोलेगा सर मैं डिसएग्री करना चाहता हूँ, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यस आंचल आई एम रॉन्ग, ओके? चलिए आप अपना पहले, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 09-09-03-03-1988। थोड़ा सा टाइम का आइडिया है आपको? 8:35 PM राइट। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे।
ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना डेट, मंथ और ईयर लिखा। आपका डेट है 9, मंथ है 3 और 1980, तो तीन हो गए डेट, मंथ एंड ईयर। उसके नीचे आपको क्या करना है, पहले लिखिएगा बर्थ चार्ट, ठीक है। ओके ओके। अब बर्थ चार्ट जो है उसके नीचे आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बना लेने हैं कि मैं 9 बॉक्सेस बना रहा हूँ। ओके नाउ, अब डेट मंथ ईयर में जितने भी नंबर है कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, अब आपको ये रहस्य सिखाता हूँ। नाउ सपोज कीजिए सबसे पहले आपका नंबर आता है 09, राइट। तो आपका डेट हो गया 9, तो मैं 9 कहाँ लिखूंगा, जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने 9 लिखा। आप पूछोगे यहाँ क्यों लिखा, किसी और कॉलम में क्यों नहीं लिखा। नाउ इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी लोशो ग्रिड की, ठीक है, आप सुनते जाइए। तो पहले हम लोशो ग्रिड भी आपको सिखाते हैं, एक साइड पे हम लोशो ग्रिड बना देते हैं। लोशो ग्रिड में क्या है, ये लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड बेसिकली क्या है, एक चाइनीज बेस है हमारे पास, उनका नाम था लोशो, तो उन्होंने इसकी रिसर्च करी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइड पे एक लोशो ग्रिड बनाया। अब पहले लोशो ग्रिड में देखिए कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाता है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 4, 3 एंड 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9, 5 एंड 1, थर्ड वर्टिकल लाइन 2, 7 एंड 6। अब ये लोशो ग्रिड के नंबर जो है वो फिक्स हैं, ये लोशो ने ही इसकी जो है वो रिसर्च करी थी। अब हमारे पास एक तरफ है लोशो ग्रिड, अब लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक नंबर है, ओके, और नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, अभी सीधा कर देंगे इनको, ठीक है। नौ, अब आपकी पहली डेट आती है 9 तारीख, तो मैंने 9 जो है वो पहली हॉरिजेंटल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर लिखा। क्यों, आप देखिए लोशो ग्रिड के अंदर 9 की प्लेसमेंट कहां पर है, तो आप देखिए वहां पर भी जो लोशो ग्रिड में 9 नंबर है जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन उसके मिडल कॉलम के अंदर है, तो आपको क्या करना है, वहां से रेफरेंस लेना है, कॉपी करना है और आपने यहां पर पेस्ट कर देना है। ओके नाउ, फिर आपका मंथ आता है 03, तो 3 को मैं कहां लिखूंगा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने, क्यों, क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक वहीं पर आता है। अब सुनिए, अब 3 चीजों का आपको पालन करना है। पहला, डेट मंथ एंड ईयर जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को आप उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से, ठीक है। दूसरा, अब आपके डेट मंथ ईयर में मान लीजिए कहीं 0 आ जाती, जैसे आपके देखिए 0 जो है 09 03, तो 0 दो बार आ गया। आप सपोज कीजिए 10 तारीख को पैदा होते हैं, अक्टूबर में पैदा होते हैं, 1990 में पैदा होते हैं, तो 0 मल्टीपल टाइम भी आपकी आ सकती है। 0 अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं आ जाए तो उसकी कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, उसको आपने इग्नोर कर देना है। थर्ड, अब डेट मंथ ईयर में कुछ नंबर आपके जो है वो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे 1988 में देखिए 8 का अंक 2 बार आ गया, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपका डेट मंथ ईयर में 1 से ज़्यादा बार आता है तो आप उस नंबर को अपने उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 22 फरवरी में 2 का अंक 3 बार आ गया, तो 2 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा एक बार तो बाकी उसी में चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ों को पहले आपको फॉलो करना है, क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले आपका था मंथ 09, तो 0 कहीं पर प्लेसमेंट नहीं होगा, मैंने 9 लिख दिया। फिर उसके बाद आपका मंथ था 03, 0 इग्नोर किया तो हमने 3 लिख दिया। अब चलते हैं आपके ईयर की तरफ, ईयर आपका 1988। अब ए का अंक कहाँ पर आएगा, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर, क्यों, क्योंकि लोशो ग्रिड में यहां पर आता है, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। फिर 1988 का अगला अंक आ गया 9, तो जहां आपने पहला 9 लिखा था फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन में वहीं पर आपने इसको दोबारा से लिख दिया। फिर आता है 88, अब 1988 का जो 8 है ठीक 3 के नीचे, फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर, राइट, क्यों, क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 यहां पर आता है, बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। अब 88 में फिर से दोबारा 8 आ गया, तो जो पहला 8 था ठीक उसके बाजू में आपने दूसरा 8 लिख दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी चार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें मसाला और पापड़ी भी डलेगी, ठीक है, उसी का वेट कर रही हूं। तो मसाला पापड़ी इसमें अंदर अभी डालेंगे क्योंकि चार्ट अभी फीका फीका सा है। ओके नाउ, अब आपके पास 3 तरह के नंबर्स जो है मैं आपको सिखाता हूँ, जो हिडन नंबर्स हो सकते हैं, जिनको मैं लॉटरी नंबर्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब लॉटरी का नाम सुनकर थोड़ी कनेक्ट तो आती है ना, होती, तो 3 तरह की लॉटरी हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। अब देखते हैं आपकी कौन सी लॉटरी भरी हुई है, कितनी भरी हुई है और कौन सी खाली है। तो 3 लॉटरी निकालते हैं। पहली जो लॉटरी उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर, राइट, व्हाट इज ड्राइवर नंबर, जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर हो गया। जैसे आप 9 तारीख को पैदा हुई तो आपका ड्राइवर क्या हो जाएगा, 9 नंबर। अगर आप 18 तारीख को पैदा होती तो भी 9, 27 को पैदा होती तो भी 9, 189। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ
तो 13 का टोटल करेंगे तो क्या हो गया 4। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। डबल डिजिट है तो उसको टोटल कर लीजिए, सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल ही रह जाएगा। ओके, 10 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं तो 3, और 28 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 1। यानी कि पहली डेट आपका ड्राइवर हो गया, वो मैंने लिख दिया। अब आपको बताते हैं कि आपकी कोई लॉटरी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। ओके, अभी देखते हैं। तो ड्राइवर हमने निकाल दिया। फिर आता है दूसरा नंबर जिसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर। नो, व्हाट इज कंडक्टर नंबर? डेट, मंथ एंड ईयर। अगर जितने भी नंबर है डेट, मंथ, ईयर में सबका टोटल करते हैं। अब टोटल करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। देखते हैं क्या निकलता है। 9 और 3 12, 12 1 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 8 38। दोबारा से देख लेते हैं। 9 3 12, 12 1 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 8 38। तो टोटल क्या आ गया? 38। 38 का मतलब हो गया 3 + 8, दैट इज इक्वल टू 11। 11 का मतलब हो गया 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो कंडक्टर नंबर मैंने आपका यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब एक होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हम देखें ना, शायद इंडियन आइडल में कहते जी आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं के नंबर, के फॉर काइट। ओके, उसको बोलते हैं कुआ नंबर, के यू ए। अब आपका कुआ नंबर देखते हैं। कुआ नंबर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1988। अब 1988 का टोटल करते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26। तो हमने लिख दिया 26। 26 का टोटल कितना हुआ? 2 और 6 8। अभी कुआ नंबर नहीं निकला है। नाउ सिंस यू आर ए फीमेल, अब 1988 को जब फीमेल पैदा हुई है तो उसका जो कुआ नंबर नहीं, उसका जो ईयर है 1988 जैसे आपका, तो उसका टोटल क्या, वो नंबर 8 पे आ गया। अब इसका कुआ नंबर निकलेगा, अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जो भी उसका टोटल निकलेगा उसमें 4 प्लस करेंगे। ओके, मतलब 8 + 4 8 + 4। नाउ 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये कुआ नंबर निकल के आया है आपका 3। अब 1988 को कोई मेल भी पैदा हुआ होगा, ठीक है। अब 1988 का टोटल तो सेम ही रहेगा, ये 8। तो अगर फीमेल है तो उसमें 4 प्लस कर दिया था, और अगर अगर मेल होगा तो उसको 11 में से माइनस करेंगे। 11 - 8 दैट इज इक्वल टू 3। इंसिडेंटली वो भी 3 ही निकला है, बट नॉर्मली अलग ही निकलता है, ठीक है। तो उनका भी कुआ नंबर क्या निकल के आया? 3। सो फार्मूला, ईयर ऑफ बर्थ टोटल किया, सिंगल डिजिट बनाया। मेल है तो 11 में से आप माइनस, और अगर फीमेल है तो 4 प्लस कर देंगे। तो आपका कुआ नंबर 3 निकल के आया है। अब आपके पास ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ 3 नंबर है। अब ये 3 लॉटरीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी कौन सी लॉटरी भरी हुई है, कौन सी खाली है। जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कनेक्टर है, उसको आपने बर्थ चार्ट के अंदर लिखना ही है। तो मैंने ये लिख दिया आपका 9, फिर मैंने लिख दिया 2, और फिर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब आपकी जो लॉटरी भरी हुई है वो है कंडक्टर वाली, नंबर 2 की। कैसे? अच्छा, कैसे? देखिए, 9 नंबर आपका जो ड्राइवर था वो तो पहले बर्थ चार्ट में था आपके, हाँ। एक और भर दिया तो इसका मतलब कोई एडवांटेज तो मिला नहीं। लेकिन 2 नंबर जो कनेक्टर नंबर है आपके, डेट, मंथ, ईयर में कहीं नजर नहीं आ रहा, देखिए नजर नहीं आ रहा नहीं। तो इसका मतलब वो ऐसा नंबर ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ में से अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके डेट, मंथ, ईयर में ना हो, और 2 नंबर देखिए आपके बर्थ चार्ट में पहले खाली था, तो जैसे मैंने 2 नंबर यहां पर भरा तो आपको पता चला कि 2 नंबर का जो ब्लॉक है आपका भर गया है, तो खाली ब्लॉक उसने भर दिया। अगर आपका ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ में से कोई भी अंक ऐसा निकल के आता है जो पहले से ही जो भरे हुए उसी में लगता, अगर उसमें नहीं होता, नहीं होता, ओके, तो वो आपकी लॉटरी निकल आई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब 2 नंबर आपके बर्थ चार्ट में था नहीं, तो हमने यहां से भरा तो 2 नंबर की पावर आपको मिल गई, ठीक है। तो 2 नंबर की लॉटरी लग गई आपकी। फिर आता है कुआ नंबर 3, वो तो पहले ही था आपके पास, हमने और भर दिया तो कोई एडवांटेज आपको नहीं मिला। तो आपकी 3 लॉटरी में से 1 लॉटरी भरी हुई है। जब आपके दर्शक, आपके व्यूअर्स जो है, जब बर्थ चार्ट बनाएंगे तो किसी को 1 नंबर का लॉटरी हो सकती, भरी हुई हो सकती, किसी की 2, किसी की 3, डेट ऑफ बर्थ में नहीं नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है किसी के 3 लॉटरी लग जाए, किसी की 2 लग जाए, किसी की 1 लग जाए, या किसी की 3 ना लगे, उसको मैं पंजाबी भाषा में बोलता हूँ फुस। चलो, एक ने मेरी इज्जत बचा ली। नाउ अब आपका जो है ये बर्थ चार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। नाउ आपके बर्थ चार्ट से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, बड़ा सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अब नंबर तो 9 ही है 1 से लेकर 9 तक। अब अगर 9 नंबर की मैं बात करूँ तो ये फॉर्मेशन कैसे करते हैं? आपके बर्थ चार्ट में देखिए कुछ नंबर भरे हुए हैं, कुछ नंबर खाली हैं। जो नंबर भरे हुए हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो नंबर खाली है
वो आपकी वीकनेस है। फिर अगर आप ये 9 ब्लॉक्स देखें अंचल, तो ये मिलके 8 लाइनें बनाते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। हम देखेंगे आपकी कौन सी लाइन पूरी हो रही है और कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। जो लाइन पूरी हो रही है वो आपकी स्ट्रेंथ, जो लाइन आपकी नहीं पूरी हो रही है वो आपकी वीकनेस। नाउ परमात्मा ने आज तक जितने भी इंसान पैदा किए हैं उस स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक मिक्सचर ही है। मेरे पास बहुत सी स्ट्रेंथ है, बहुत सी वीकनेस है, आपके पास भी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सी वीकनेस है। तो मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अगर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए और अपनी वीकनेस पता चल जाए तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन। जितने भी दुनिया के अंदर सफल आदमी हैं, जितने भी सफल आदमी हैं, राइट, उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। तो जस्ट इमेजिन अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल जाए तो आई थिंक आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वीकनेस को आप काम कर सकते हैं। अब आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताता हूँ, मेरे को सिर्फ यस और नो बताना, ओके? नो। आपका ड्राइवर नंबर 9 है। अब 9 नंबर को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, पूछो क्यों? क्योंकि मेरी डॉटर नंबर 9 है। ओके ओके। जो भी ड्राइवर जिनका 9 होता है, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ दानवीर करण, देने पे आए तो करण की तरह सब कुछ उतार दें, ये है, और लेने पे आए तो तेरी ऐसी की तैसी, सींग फंस जाते हैं इनके बड़ी बोल। तो क्या अब जैसे 9 नंबर है तो 9 नंबर का ठीक है, मेरा ये है, ये करेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये इसी नंबर पे तो और भी बहुत सारे पैदा हुए, तो सबके सेम ही होता है लगभग लगभग। अब 9 नंबर 18 से भी आ सकता था, ओके, 27 से भी आ सकता। वो फिर पर्सनालिटी चेंज, वो पर्सनालिटी थोड़ा चेंज कर देगा आपकी। बट 9 नंबर बेसिकली क्या है, दानवीर करण, देने पे आए तो सब कुछ लुटा दे और अगर कहीं ईगो हर्ट हो गई तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। 9 नंबर वाले बंदे को मैं इस तरह से बोलता हूँ कि 9 नंबर जो है बेसिकली इट्स ए नंबर ऑफ ह्यूमनिटेरियन नंबर, मानवता को कैसे ही अपलिफ्ट करता है, ड्रिवन बाय द मूड। मूड अच्छा है तो भैया सब ठीक है, अगर मूड अच्छा नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी। सो ड्रिवन बाय द मूड। 9 नंबर वाले के लिए मैं बोलता हूँ प्राण जाए पर वचन ना जाए। मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है, मर जाएगा, कभी हाथ ऐसे नहीं करेगा 9 नंबर वाला, मैं आपको बता दूं। ये है, ऐसा बिल्कुल है। 9 नंबर वाले बंदे को मैं ऐसा भी बोलता हूं रस्सी जल जाए बंदा नहीं जाता, ईगो होती है बहुत। अब ईगो नहीं है बोलूंगा, सेल्फ स्टीम बहुत ही हाई होती है। अब सागर अपना आंचल को मैं प्रेम से कुछ भी मनवा लूं बट जरा से आपकी मैंने ईगो को हर्ट किया नहीं तो बस आप मेरी ऐसी की तैसी कर दोगे। सो 9 नंबर इज ए बेसिकली नंबर जो अपने सेल्फ स्टीम को बहुत हाई रखता है, ड्रिवन बाय मूड होता है, राइट, और देने पे आए तो सब कुछ दे सकता है, किसी के आपके हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी सेल्फ स्टीम को हमेशा ही ऊपर रखता है। पहले बताओ ये ठीक है या गलत? बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। नाउ अब आपका कंडक्टर नंबर 2 है। अब 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का। अब चंद्रमा का कैरेक्टर क्या है, 15 दिन शीतल, बहुत पीस, वो तो है, बट 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, स्टेबिलिटी नहीं देता, नहीं देता। तो 2 नंबर होने से क्या होता है, आदमी का जो माइंड है थोड़ा फिकल हो जाता है, माइंड थोड़ा फिकल, इनडिसिसिव से हो जाते हैं, मैं करूं या ना करूं, ऑलवेज दे आर इनटू द फ्लूडिटी ऑफ द माइंड, माइंड में युद्ध चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है, पता नहीं चलता यार मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। यू ऑलवेज नीड सम अश्योरेंस फ्रॉम समबडी, आप पूछोगे यार मैं बताओ ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। सो चंद्रमा कभी श्योर नहीं होता। दूसरा, अब चंद्रमा के ऊपर आपने देखो बहुत से पोएट्स ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है हमने कहा चेहरा तेरा, है ना। तो चांद जितना मतलब 2 नंबर वाले लोग आप देखोगे बड़े सौम्य स्वभाव के होंगे, सुंदर होंगे, राइट, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज होंगे, ठीक है गलत है बताइए? हाँ जी। नो, अगर मैं आपके बर्थ चार्ट की बात करूं तो बर्थ चार्ट में आपकी कोई लाइन नहीं पूरी हो रही, सो मैं बोलूंगा आंचल योर बर्थ चार्ट इज स्लाइटली वीक बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटिंग एनी लाइन बट स्टिल यू हैव ग्रेट स्ट्रेंथ। अब आपके नंबर जो प्रेजेंट है, आप देखिए आपका 3 का नंबर 2 बार आ रहा है, 3 नंबर किसका, जुपिटर का है, बृहस्पति का है। अब बृहस्पति क्या देता है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, राइट। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आंचल की जो क्रिएटिविटी होगी बहुत ही अच्छी होगी और इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी होगी। आप यहाँ बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हो कि सपोज घर पे मैंने पर्दे लगाने हैं, राइट, तो आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं कौन से कलर के होंगे, कौन से ड्राइंग रूम में लगे कि क्या कलर होगा। तो इमेजिनेशन ऐसे लोगों की बहुत ही स्ट्रांग होती है, प्लस स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। सो दीज पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और टू द ऑकल्ट, सो दे हैव लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ नंबर 3। आर यू कनेक्टिंग योरसेल्फ विद? बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट एकदम। अब आपके बर्थ चार्ट में 8 का नंबर आता है 2 बार। अब 8 नंबर शनि का है, जब ये बर्थ चार्ट में आ जाता है तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी कर देता है, पैसे को कहाँ रखना है, कैसे संभालना है,
मैं पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपीज़ सैलरी आती है, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी कि कितना पैसा मैं बैंक में रखूंगी, कितना मैं FD में लगाऊंगी, कितना मैं SIP में लगाऊंगी, कितना मैं शेयर मार्केट में। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, राइट। अब आपके मैं घर तो कभी गया नहीं, आज पहली बार मिला हूँ ना। हाँ जी, आपको बताता हूँ, आप अपने घर में जैसे आपका बेडरूम होगा ना, वहाँ पर जो अलमारी होगी, अगर वहाँ पर 5 ड्रॉर होंगे, आप जाके खोलना, हर ड्रॉर में आपको पैसे पैसे मिलेंगे। मेरे रहते हैं, राइट। रहते हैं। आप कई बार देखेंगे झाड़ू लगाना अपने बेड के नीचे, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे आपको, तकिए के नीचे पैसे मिल जाएंगे। बताइए, अकाउंट में नहीं होंगे लेकिन वहाँ जरूर। बिकॉज ये क्या करते हैं, फाइनेंसिस को हमेशा थोड़ा मल्टीपल पॉकेट्स के अंदर रखना पसंद करते, बिकॉज दे नो हाउ टू प्लान देयर फाइनेंसिस। सो दैट इज द ग्रेट स्ट्रेंथ। आप कनेक्ट कर पा रही इसे? बिल्कुल। नाउ आपके बर्थ चार्ट में 2 का नंबर आता है। अब 2 नंबर चंद्रमा का है मैंने बताया, बट चंद्रमा की खासियत बताता हूँ। एक ऐसी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ अंचल, जो सिर्फ आपको पता होगी, किसी को पता भी नहीं होगी, आपने कभी शेयर भी नहीं करी होगी किसी के साथ। बताऊँ? बिल्कुल, डायरेक्ट ही बताएंगे आप। नहीं, अच्छी बात बता रहा हूँ। बेसिकली जब बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा का नंबर आ जाता है ना, एक बार, दो बार या कितनी बार भी आ जाए, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आई एक्सप्लेन व्हाट इज इंट्यूशन। पहले से पूर्वाभास होता है कि क्या होने वाला है। सपोज आप घर से निकली, आपको स्टूडियो जाना है, मन में अचानक ख्याल आ जाए कि यार आज बॉस के साथ कहीं पंगा तो नहीं पड़ेगा। अरे ऐसी तो कोई साइंस ही नहीं बनी कि वो बता दे कि बॉस के साथ पंगा पड़ेगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बॉस तो मेरा बहुत अच्छा है। उसी दिन आपका बॉस के साथ झगड़ा, एकदम एक्यूरेट है, है ना। बिल्कुल। घर से निकलते हैं, लगता है यार आज बारिश तो नहीं होगी, आज गाड़ी तो नहीं पंचर होगी। अरे यार गाड़ी कैसे पंचर हो सकती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप देखो गाड़ी पंचर हो जाएगी। सो ये इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर। नाउ आंचल आई एम गोइंग टू गिव यू $1,000,000 एडवाइस, राइट। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो फिर बहता पानी, राइट। आपको मैं एक एडवाइस दे देता हूं कि जब भी जिंदगी के अंदर आपको कोई डिसीजन लेना हो, एनी काइंड ऑफ डिसीजन, डोंट लिसन टू एनीबडी, लिसन टू योरसेल्फ, बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है ना इतनी स्ट्रांग है, अगर आप उसको फॉलो करोगे योर सक्सेस रेट विल गो अप। सो डोंट टेक द एडवाइस फ्रॉम अदर्स, बिकॉज योर इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आंचल कौन है, मैं बताता हूँ, आंचल। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आंचल इज आंचल। यू ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, द मोर यू विल ट्रस्ट योर सेल्फ, द मोर यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। अगर मैं आपकी वीकनेस की बात करूँ तो जो नंबर मिसिंग है आपकी वो वीकनेस है। अब आपके बर्थ चार्ट में 3 तरह की वीकनेस है। आपके बर्थ चार्ट में देखो, एक तो नंबर 6 नहीं है, नंबर 7 नहीं है, नंबर 5 नहीं है। जब 6 और 7 नंबर आंचल मिस हो जाते हैं ना, तो जिंदगी के अंदर आदमी अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी उनको ग्रैब नहीं कर सकता। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा यार ये मौका आ गया, इसको मैं ग्रैब करती हूँ, और जरा सी आपने उसके अंदर सोच विचार ज़्यादा कर दिया, अच्छा कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, तो आपको लगेगा यार मौका अच्छा भला मेरे हाथ से निकल गया। सो दीज पीपल डू नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। सांप निकल जाता है, बाद में लकीर को पीटते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। अब नंबर 5 नहीं है, तो नंबर 5 होने से क्या होता है, आदमी की लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें zigzag चलना शुरू हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अब अगर 6 और 7 नंबर नहीं है, तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी एडवाइस दे देता हूँ। एक घड़ी पहनी है जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर कलर हो। आपने घड़ी अभी पहनी नहीं होगी, दिखाइए। नहीं, मैंने नहीं पहनी। अब एक नई ट्रिक बताऊँ? हाँ बिल्कुल। सब दर्शकों को मैं एक जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। जितने भी लोग आपके देख रहे हैं, एक चीज़ ट्राई कीजिएगा, जिनके बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर नहीं होगा, अगर दोनों नंबर नहीं होंगे, ये घड़ी नहीं पहनते होंगे। हाँ, मैं तो नहीं पहनती हूँ। और पहनते भी होंगे अगर, हाँ, तो लेदर स्ट्रैप वाली पहनते होंगे। कारण 6 नंबर और 7 नंबर मेटल नंबर्स हैं। अब आपके पास है नहीं, तो आपको मेटल अच्छी नहीं लगेगी। अब अगर आप 6 नंबर और 7 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ, घड़ी पहनी आंचल जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर 2 कलर हो, गोल्डन और सिल्वर। द मोमेंट यू विल वियर इट, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स, यू नो वॉट विल हैपन, अपॉर्चुनिटी सेक्टर विल ग्रो, रिलेशनशिप सेक्टर विल ग्रो। या डू इट, सिर्फ घड़ी पहनने से। सिंपल, पैसे नहीं लग रहे। 5 नंबर की कमी को अगर पूरा करना चाहते हैं, तो आपको टिप देता हूँ, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर इन टू योर लाइफ। हाउ? ग्रीन कलर की सब्जियां खाइए, खीरा खाइए, राइट। हरे रंग का धागा बांध सकती हैं, हरे रंग का पेन यूज कर सकती हैं, राइट। आप कोई भी चीज़ हो जिसको हरे कपड़े हो सकते हैं, राइट, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। अगर आप ये सारा कुछ करती हैं, तो पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, एंड यू विल फील द डिफरेंस, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स, देयर विल बी ए ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ, डू इट।
ओके, तो मतलब ये कोई स्पेशल ओकेजन पे ही पहने या फिर मतलब डेली में, मतलब डेली 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 के अंदर आप इसको कीजिए। ओके ओके सर, जैसे आपने मेरा भी 9 नंबर का बताया, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसे बैठी होगी कि मेरे 1 नंबर का बताया, मेरे 2 नंबर का बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे 1 नंबर से लेके 9 का तो आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल। अब 1 नंबर से 8 नंबर तक इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इनके पास पावर और इनकी वीकनेस के बारे में पूरा डिटेलिंग में मैं आपसे जानना चाहूंगी। चलो क्विकली बता देता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर से। अगर आप किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 को पैदा होते हैं तो आपका रूलिंग प्लेनेट 1 हो जाएगा, यानी कि ड्राइवर 1 हो जाएगा। अब 1 नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य कौन है? राजा। इसका मतलब इस तरह की जो पर्सनैलिटीज होती है, दे वॉन्ट टू लिव लाइक ए किंग, इनको हमेशा ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएंगी, रॉयल रहना पसंद करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, किसी के अंडर काम करना ये लोग पसंद नहीं करते। और ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा प्रेफरेबली दे शुड बी इनटू द बिजनेस, नॉट इनटू द जॉब। राजा जॉब नहीं करता कभी, राजा बिल्कुल सही बात है, राइट। तो इनके पर्सनैलिटी वैसी होती है। इनके नेगेटिव क्या है? डोमिनेटिंग नेचर होती है, दूसरों को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, इनका नेगेटिव ट्रेट है। नंबर 2 की बात करें, अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को पैदा होते तो आपका ड्राइवर नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है। अब चंद्रमा क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो स्टेबिलिटी जो है इनके माइंड के अंदर नहीं आती है, फिकल माइंड हो जाता है, डिसीजन इनके उतने अच्छे नहीं हो पाते, इनडिसिसिव हो जाते हैं, राइट। बट होस्ट बहुत अच्छे होते हैं, आप इनके घर कभी जाइए, क्या आपको खाना खिलाएंगे, क्या आपकी आवभगत करेंगे, दे आर वेरी गुड होस्ट, वेरी गुड होस्ट, राइट। अब 2 नंबर की कमी क्या है? ऑलवेज दे आर इन टू द डोलड्रम्स, डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसिसिव हो जाते हैं, तो ये इनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नंबर 3 की बात करें, 3 नंबर किसका? बृहस्पति का, जुपिटर का। 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा होते तो आपका ड्राइवर नंबर 3 हो गया। अब 3 नंबर कौन है? जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? देवगुरु। अब नाम ही देवगुरु है, इट मीन्स इस तरह के लोग एजुकेशन बहुत अच्छी हासिल कर लेते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ज्ञानी होते हैं देवगुरु, तो ज्ञान ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा इनको इंटरेस्ट होता है। एंड दीज पीपल आर ऑलवेज इनक्लाइंड ईदर ऑफ द टू थिंग्स, ईदर दे आर इनक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी और टुवर्ड्स द रिलीजन, इनका इंटरेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं इनकी नेगेटिव बात करूँ, दे आर द गुड स्टार्टर्स एंड ऑलवेज बैड फिनिशर्स, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, क्यों? क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है और इनकी प्रॉब्लम इनकी नॉलेज है, इनको लगता है मुझे सब पता है, दे वॉन्ट टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम, जब मल्टीपल चीज़ें करेंगे दे डोंट रीच टू द एनी पर्टिकुलर कंप्लीटिंग द टास्क। 4 नंबर, अब 4 नंबर को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता बिकॉज मैं खुद ही 4 नंबर से रूल होता हूँ, राइट। सो 4 नंबर कब कब आएगा? व्हेन यू आर बॉर्न ऑन 4/13, राइट, 22 and 31। सो आई एम बॉर्न ऑन 13th of February, तो मेरा ड्राइवर नंबर 4 हो गया। अब 4 नंबर जो है इसकी जो सबसे बड़ा पर्सनैलिटी ट्रेट है, दीज पीपल आर हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, दे कैन क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ द क्योस। लेकिन मैंने सुना है 4 नंबर थोड़ा स्ट्रगल डे भी होता है, डेट होती है, ये तो क्या ये सच में है? बिल्कुल सच है। पहले मैं आपको ट्रेट्स बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि 4 नंबर स्ट्रगल का क्यों है। अब 4 नंबर डिसिप्लिन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। 4 एक ऐसा नंबर है जो थोड़ा सा अब्यूजिव भी है, डोमिनेटिंग नेचर भी है इसकी, अथॉरिटी भी ये रखना चाहता है, बिकॉज राहु क्या बेसिकली एक डेयर डेविल जैसा एक्ट रखता है। जैसे आज आपके पॉडकास्ट ने आपने मुझे 11 बजे का टाइम दिया था, मैं 10:30 पहुंच गया था यहाँ पर, मैंने फ़ोन किया था आपके स्टाफ को कि भैया मैं पहुंच गया। सो डिसिप्लिन के मामले में आई एम ए यूनिवर्सिटी, मेरे से बढ़िया डिसिप्लिन आप ले ही नहीं सकते कहीं पर, आई एम ए नंबर 4। नेगेटिव पॉइंट क्या है 4 नंबर का? सो दीज आर द पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू यू नो हैव दे वॉन्ट ऑलवेज अथॉरिटी इन टू द लाइफ, राइट। अब 4 नंबर जो आपने बोला ये स्ट्रगलिंग नंबर होता है, यस इट इज़ ए स्ट्रगलिंग नंबर, देयर इज़ ए लॉजिक क्यों। अब 4 नंबर किसका? राहु का। अब राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट, अब राहु के पास क्या सिर्फ हेड है, धड़ है ही नहीं, तो बॉडी इनकम्प्लीट है। जब बॉडी इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, ये क्रॉल करेगा, ओके, स्ट्रगल करेगा। व्हेन द बॉडी इज इनकम्प्लीट सर्टनली यू हैव टू स्ट्रगल इन द लाइफ, सो दिस इज द लॉजिक व्हाई नंबर 4 पीपल आर मोर स्ट्रगलिंग, राइट। नाउ नंबर 5, 5 नंबर का मतलब आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर नंबर 5 होगा। 5 नंबर किसका? मरकरी का। मरकरी यानी कि बुध। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ अपनी तो मैं वहाँ बोलता हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर में द मोस्ट यू नो माई फेवरेट नंबर दैट इज नंबर 5। 5 नंबर मेरा सबसे फेवरेट नंबर है, उसके 2 कारण हैं। पहले तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है
सेम मेरा भी है। आपके पास भी नहीं है। तो जिस चीज का अभाव होता है ना, वो उसका ही भाव होता है। एक तो ये कारण है, बट ऑन द लाइटर साइड, नॉट ऑन द सीरियस नोट, मैं आपको 5 नंबर के ट्रेट्स भी बताऊंगा और 5 नंबर की ऐसी खासियत बताऊंगा, जो भी लोग 5 नंबर से रूल होते हैं ना, उनका वाव फैक्टर आने वाला है। 5 नंबर वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है, दीज पीपल आर हैविंग अ फाइटिंग स्पिरिट, दे आर द फाइटर्स, दे नेवर कम टू द प्रेशर्स। संघर्ष करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, बाउंस बैक करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। इनकी जिंदगी में गाड़ी कभी पटरी से उतर जाए तो बाउंस बैक करके वापस अपनी गाड़ी पटरी पे ले आते हैं। गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुनादास, ऐसे लोगों को चेहरे से नहीं पढ़ सकते आप, दुख चले के सुख चले, चेहरा एक समान। 5 नंबर वाले लोग, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट, आप याद रखिएगा, जितने भी दुनिया में लोग हैं जिनका ड्राइवर 5 है, सफल कितने होंगे क्वेश्चन मार्क। जिंदगी में 5 नंबर वाला बंदा कभी असफल हो ही नहीं सकता। कम सफलता हो सकती है, ज्यादा सफलता हो सकती है, बट ये असफल नहीं हो सकते कभी भी। इट इज सच ए पावरफुल, किसी भी फील्ड में। लेस सक्सेस मोर सक्सेस कैन बी, बट दे कैन नॉट बी अनसक्सेसफुल। रीजन बताता हूँ, 5 एक ऐसा नंबर है जो आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखें तो बिल्कुल सेंटर में आता है। तो क्या करता है, बैलेंस क्रिएट कर देता है। इस नंबर को मैं अंचल बोलता हूँ, दिस इज ए मास्टर की। जैसे आपके होटल में जाते हैं ना, आपकी की गुम हो जाती है, तो आपका मैनेजर क्या बोलता है, सर मेरे पास मास्टर की है, जिससे आप कोई भी ताला खोल सकते हैं। तो 5 नंबर से आप किसी भी नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। okay. 1 से लेकर 9 तक नंबर, अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर आता है तो समझ लीजिए जितने नंबर मिसिंग आपके बर्थ चार्ट में, ये सबको थोड़ी 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 अपनी पावर दे देता है। इट इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर, दैट इज व्हाई आई से दिस इज ए मास्टर की नंबर, क्योंकि बीच में भी तो बैलेंस करता है, तो सभी नंबर्स को थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यस, ओके, सो इट इज द मोस्ट पावरफुल नंबर अमंग ऑल द नंबर्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं बात करूं इसकी कमी की, लेजी पीपल, ओवर कॉन्फिडेंस, ओबीज हो जाते हैं, लाइफस्टाइल इनका अच्छा नहीं होता है, लेग वर्क नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, इनको कंप्यूटर चाहिए और टेबल चाहिए उस पर काम करवा लीजिए, बट लेग वर्क करना ये पसंद नहीं करते हैं। और समटाइम्स इतना लेजी हो जाते हैं कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ नंबर 5, बट स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। नंबर 6, 6 नंबर किसका है, वीनस का, यानी कि शुक्र का। किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को अगर पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 6 बनेगा। आज का जो युग है ये शुक्र प्रधान युग है, 6 नंबर शुक्र का है तो शुक्र प्रधान युग है। 6 नंबर का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, लग्जरी, ग्लैमर, नेम, फेम, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सारे का सारा वीनस का डिपार्टमेंट है। अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं तो आप लग्जरी के बिना जी नहीं सकते, आपको हमेशा लग्जरी चाहिए। अच्छा। घूमना फिरना ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होता है, सौंदर्य ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होता है, परफ्यूम लगाना पसंद होता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद होती हैं, राइट। तो इस तरह का 6 नंबर कमी बताता हूँ, मैनुपलेटिव लोग होते हैं, जुगाड़ू लोग होते हैं, झूठ इतनी सफाई से बोलेंगे पकड़ नहीं पाओगे। यस, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेरी यू नो डिप्लोमेटिक पीपल, नंबर 6 पीपल। यू विल नॉट बी एबल टू जज फ्रॉम दिस देयर फेस दैट वेदर यू आर देयर स्पीकिंग अ लाई, यू कैन नॉट मेक इट आउट। ओके, सो दैट इज नंबर 6। ओके, नंबर 7 केतु, 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा होते हैं, देन आपका ड्राइवर होगा 7। 7 नंबर किसका, केतु का नंबर। अब केतु के प्लस माइनस बताता हूँ, अगर आपका ड्राइवर नंबर 7 है तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, तो ये लोग जिंदगी के अंदर या तो पंडित या ज्योतिष या बाबा या गुरु, मंदिर या गुरुद्वारा, इनके चक्कर ही काटते मिलेंगे आपको। अच्छा, चक्कर काटते मिलेंगे। ओके, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। इनको बड़ा शौक होता है गुरुओं के बाबाओं के पास जाने का, ओकल्ट के अंदर इनको बड़ी दिलचस्पी होती है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बहुत रुचि होती है इनको। 7 नंबर एक रिसर्च का नंबर है, बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, जो चीज किसी से सॉल्व ना हो आप 7 नंबर वाले को दे दीजिए, वो अपने स्टाइल से आपको सॉल्व कर देगा। आप बोलोगे यार ये कैसे सॉल्व करिए, तो किसी बुक में लिखा नहीं है, बोला मैंने कर दी। कोई भी इंट्रिकेट प्रॉब्लम हो आप 7 नंबर वाले को दे दिए, वो आपको सॉल्व कर देगा। ओके, 7 नंबर की प्रॉब्लम। 7 नंबर एक और बताओ, 7 इज ए नंबर ऑफ विजडम, 3 नंबर इज ए नंबर ऑफ नॉलेज एंड 7 इज ए नंबर ऑफ विजडम, राइट। तो ऐसे लोगों की विजडम बड़ी तगड़ी होती है इनके पास। 7 नंबर की प्रॉब्लम, डिसअपॉइंटमेंट्स इन द लाइफ, वेरी डिसअपॉइंटिंग लाइफ, हेल्थ में, रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम हमेशा रहती। क्यों? अब 7 नंबर केतु है, सर है नहीं, धड़ी धड़ है। अब सर है नहीं तो सोचने की ताकत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या करता है, दूसरे के ऊपर बड़ी जल्दी से ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि सर तो है नहीं तो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरे के ऊपर जब डिपेंड करेंगे तो धोखे होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं जिंदगी के अंदर। 8 नंबर
8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते तो आपका ड्राइवर होगा 8। 8 नंबर किसका है? सैटर्न का, राइट। अब शनि से रूल होते तो शनि का मतलब ही क्या है? शनि शनि, इनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, स्ट्रगलिंग प्लैनेट होते हैं। क्यों स्ट्रगलिंग प्लैनेट, आई विल एक्सप्लेन यू। 8 नंबर वाले के अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी होती है, राइट। और ये बहुत ही इम्पार्शियल लोग होते हैं, आउटस्पोकन पर्सनैलिटीज़ होते हैं, मुंह पे बात आपको बोल देंगे और साफ हृदय के लोग होंगे, कभी किसी बात को अंदर छुपा के नहीं रखना चाहेंगे। दे ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड। 8 नंबर की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये होती है कि इस तरह के लोग हमेशा डोमिनेटिंग नेचर के और अथॉरिटी चाहते हैं जिंदगी के अंदर एट एनी कॉस्ट, दैट इज देयर ड्रॉबैक। नाउ 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर क्यों है? अब 8 नंबर है शनि का। अब शनि जो है वो डेढ़ टांग का प्लैनेट है, उसकी दोनों टांगे कंप्लीट नहीं, एक पूरी एक आधी है। अब डे टांग का प्लेनेट तो बेसिकली क्या होगा, स्लो हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो जब चल नहीं पाएगा, स्लो हो जाएगा, तो स्ट्रगल इसकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। 9 नंबर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर होगा 9। 9 नंबर किसका? मंगल का, यानी कि मार्स का। प्राण जाए पर वचन ना जाए, मौत मंजूर है मात मंजूर नहीं है, सेल्फ स्टीम बहुत ही हाई होती है, राइट। ड्रिवन बाय मूड होते हैं और पर्सनैलिटी जो इनकी होती है, मैं बोलूँगा दानवीर करण जैसी होती है, देने पे आए सब कुछ, लेने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के ये ट्रेट होते हैं 1 से लेके 9 तक के नंबर। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता है, तो अब जैसे मेरी मदर है, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, वो सिर्फ एक होता ना कि इस त्यौहार पे पैदा हुए थे, इस दिन पे पैदा हुए थे, तो वही उनका उस त्यौहार पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे अपने उसको डेट को वो कैसे पहचाने? ये बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। अगर आप थोड़ा सा भी मुझे आइडिया दे देती हैं बाय चांस, ओके, डेट का, मंथ का, ईयर का, तो हम आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट से, आपके हैप्पी इंसिडेंस, आपके बैड इंसिडेंस जो जिंदगी के अंदर हुए होते हैं, वो हम साइड पे लिख लेते हैं। फिर उससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि आप कौन सी डेट को पैदा हुई है, तो वो एक बर्थ चार्ट से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट से, आपके हैप्पी और बैड इंसिडेंस के साथ। सो दैट कैन बी डन। ओके,